आदरणीय रामगोपाल यादव जी, उनके सम्मान में आज एक कार्यक्रम का बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें नेताजी और देश के उपराष्ट्रपति जी आदरणीय हामिद अंसारी साहब किताब का विमोचन करेंगे। यहाँ जितने साथी हैं वो जानते होंगे, लिखने का काम, पढ़ने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल या बहुत जिम्मेदारी का पार्टी का जब कभी काम होता है तो आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को याद किया जाता है। आज उन्हीं का जन्मदिन है, इसलिए हम सब ने मिलकर के जहाँ की किताब का विमोचन वहाँ होगा, जन्मदिन शाम को अच्छी तरह वहाँ मनेगा, लेकिन पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर पार्टी कार्य मना लिया। आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने किताब लिखी थी, पिछले कार्यक्रम में जब लोहिया पार्क में आयोजन हुआ था उस समय उस किताब का विमोचन हुआ था। उस समय भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, गवर्नर साहब, नेताजी, हम सब लोग थे। सही मायने में जहां सरकार आपकी है और समाजवादी आंदोलन तब और मजबूत होगा जब हम पढ़ना लिखना और तेजी से अपने अंदर ला दें। इसलिए कुछ साथियों को तो हमने किताबें दी हैं, कुछ समाजवादी साथियों को किताब दी है, बहुत मोटी किताब है। हमें भरोसा है कि वो जिम्मेदारी से पढ़ेंगे और अपने साथी सहयोग को जो आंदोलन है और आंदोलन के संघर्ष हैं और जो संगठन या किस तरीके से सिद्धांत है समाजवादियों का वो बता पाएंगे, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत तब मजबूत होगा, समाजवादी आंदोलन तब और मजबूत होगा जब हम समाजवादी सिद्धांतों को समझें। और जब तक हम लोग लोहिया जी को, जयप्रकाश जी को, मधुरमेह जी को, नेताजी के संघर्ष या अपने जितने वरिष्ठ नेता उनके संघर्षों को और उनके कही हुई बातों को जब तक अपने बीच नहीं उतारेंगे तो मैं समझता हूँ आंदोलन हमारा उतना मजबूत नहीं दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 2500 हम लोगों ने कामधेनु डेयरी योजना से लाभ पहुँचा दिया, 2500 डेयरी खुलवा दी, 2500 डेयरी और दूध उत्पादन बढ़ा दिया। अभी बिजली का मामला था, कल होना था कार्यक्रम, नहीं हो पाया, समाजवादियों ने वो काम करके दिखा दिया। इस बार बिजली का जितना आंदोलन होता था खिलाफ नहीं हो पाया, क्योंकि बिजली हम लोगों ने थोड़ा बहुत ठीक कर दी और पहुंचा दिया। और 2016 से जो तय किया है कि गांव में 16 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटा बिजली उपलब्ध करा दिया, ये बिजली का काम कर दिया, एम्बुलेंस का काम कर दिया, दवाई इलाज सब मुफ्त कर दिया, अस्पताल भी बन रहे, कॉलेज भी बन रहे, डेयरी कॉलेज, इंटर कॉलेज और नौकरियां भी निकाल रहे। मेट्रो का हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि लखनऊ वालों के लिए है ये केवल, लेकिन ये सही है कि मेट्रो बन जाने के बाद ये लखनऊ का तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन बहुत सारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार ये सही है कि पढ़ाई के बाद सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि उनको नौकरी कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले। कोशिश की है कि रोजगार जितने भी विभागों में खोल सकते हैं सब भर्ती खोल दी। आज भी किसी अखबार ने निकला है कि इतनी भर्ती कभी नहीं खुली जो खुल गई इस बार, लगातार भर्ती चल रही है। अभी पुलिस की भर्ती की, हालांकि उसमें परीक्षा थी, परीक्षा दो दो थी, आने वाले समय में कैसे और सरल हो जिससे कि हमारे नौजवान पुलिस भर्ती भी देख लें, तो उस दिशा में भी सरकार फैसला ले रही है और बहुत जल्दी वो भी हम लोग काम कर देंगे। कल झंडी दिखा रहे हैं 1000 के लगभग गाड़ियों का, जो मैंने भाषणों में कहा था कि जब एम्बुलेंस पहुंच सकती तो पुलिस क्यों नहीं मौके पर पहुंचती। एम्बुलेंस आपकी 20 मिनट पहुंचती कि नहीं पहुंचती, तो आपकी पुलिस भी पहुंचे उस दिशा में काम कर रहे हैं, इसीलिए 1000 से ज़्यादा गाड़ियां कल झंडी दिखा रही हैं और इतनी गाड़ियां पुलिस को कभी नहीं दी गई होंगी। लेकिन अब उस राजनीति में हमारे साथी भी हैं जो थाने की राजनीति करते हैं। अच्छा, कई साथी नेता हैं जो थाने की राजनीति करते हैं, अगर वो न्याय दिला दें तो आपकी सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर अपने तमाम लोग हैं जो वहीं थाने का और तहसील का इंतजाम देखते हैं, मैंने लखनऊ की मीटिंग में भी कहा था कि इधर कुछ जमीनी कार्यकर्ता ज्यादा बढ़ गए हैं, जमीनी मतलब दूसरी तरह के जमीनी। इसलिए साथियों यही समाजवादी पार्टी है जो ठीक रास्ते पे समाज को ले जा रही है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा आबादी के हिसाब से बड़ा प्रदेश है, जो फैसले उत्तर प्रदेश ने लिए हैं कोई प्रदेश सरकार नहीं ले पाई।